सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में एमओ आलोक कुमार पांडे के नेतृत्व में प्रखंड के सभी डीलरों के साथ बैठक हुई। बैठक में सभी डीलरों के ससमय राशन बांटने का निर्देश दिया गया। एमओ ने कहा कि डीलर के पास जिस माह का राशन है उसे उसी माह लाभुकों के बीच बांटे और झारखंड सरकार ने पेट्रोल पर जो सब्सिडी देने की घोषणा की है उसके लिए प्रतिदिन सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार कम से कम 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लाभुक को एंट्री कर उनको जल्द से जल्द लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। एमओ ने सुविधा के लिए सभी डीलर से ग्राहकों को अपने ग्राहक के सुविधा के लिए एक ग्रुप बनाने, सही समय पर जानकारी दी जा सके ताकि समय पर राशन वितरण किया जा सके, और साथ में एमओ ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर भी जो सिंगल डिजिट लाभुक बचे हैं उनका डाटा तैयार कर उनको चिन्हित कर डोर टू डोर कैंपेन चलाकर उन्हें वैक्सीन लगाने का आग्रह किया। नीलांबरपुर से राशिद अनवर की रिपोर्ट। बुलाया गया था प्रखंड के जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, जिसमें कि अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना चल रही है पेट्रोल सब्सिडी की, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आज की बैठक का। सभी डीलर को आज टारगेट दिया गया है कि प्रतिदिन प्रति डीलर कम से कम 10 रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पेट्रोल सब्सिडी के लिए अपने पोषक क्षेत्र से। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब्सिडी का पैसा लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं। उससे पहले कम से कम 20% हमारे प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी दो पहिया वाहन हैं उसका 20% लाभुकों को उस दिन पैसा ट्रांसफर किया जाना है। इसको लेकर के मुहिम चलाया जा रहा है। कल से पंचायतवार शिविर भी लगाया जाएगा इसके लिए, निबंधन के लिए। दूसरा हमारा मुद्दा था टीकाकरण को लेकर के। जैसा कि सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को पूरे प्रखंड क्षेत्र को टीकाकरण 100% हो गया है, इसका प्रमाण पत्र देना है। अब हमारे यहाँ बहुत ही कम लाभुक बचे हुए हैं। प्रत्येक डीलर के पोषक क्षेत्र के अंदर सिंगल डिजिट में लाभुक बचे हुए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने डाटा तैयार कर लिया गया है। आज इनको डाटा हस्तगत कराया जा रहा है और कल से कैंपेन चला करके डोर टू डोर जा करके वैसे लोगों को वैक्सीनेट करते हुए हमको सर्टिफिकेट देने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मुद्दा था वो था राशन वितरण का। जैसा कि सरकार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि प्रत्येक महीने का राशन उसी महीने में 100% वितरण किया जाना है, इसको दुरुस्त करने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं आज सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को दिया गया।